ये गांव के लोग भी ना बड़े बेवकूफ होते हैं, गवर्नमेंट की रोड को भी अपने बाप की रोड समझते हैं। ट्रॉली भी खड़ी कर रखी और अपनी बाइक भी यहीं पे खड़ी कर दी। अरे ओ मैडम, क्या खुसर फुसर किए आ रही हो? जो भी बोलना है ना जोर से बोलो। ओ गवार, ऊपर से क्या बकबक किए जा रहा है, पहले नीचे और अपनी बाइक हटा यहाँ से। हाँ हाँ वहीं रुको, अभी आता हूँ। ये पकड़ अजय, सही से लगा देना। हाँ बोलो मैडम, क्या बात है? चुपचाप ना अपनी बाइक को इस रास्ते से हटा ले वरना गाड़ी चढ़ा दूंगी इसके ऊपर। मैडम तुम शहर वाले अपने आप को समझते क्या हो जो हर वक्त गांव वालों की बेइज्जती करते रहते हो? चुपचाप कान खोलकर सुन ले, तुम लोगों की कोई इज्जत नहीं होती जो मैं बेइज्जती करूंगी। और चुपचाप अपनी एक हटार गाड़ी यहाँ से हटा। हाँ हाँ मैडम, इतना भड़को मत, अभी हटा देता हूँ। देखो मैडम, मैंने बाइक को साइड में कर दिया है, अब ना आप अपनी गाड़ी साइड से निकाल लो, आराम से निकल जाएगी। इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उस गवार ने मेरी बेइज्जती की है और जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेती ना तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अरे छोड़ो ना यार, तुम उससे उलझी क्यों थी? वो गवार मेरे रास्ते में आया था और शहर के लोगों को ना बेवकूफ समझता है वो। देखो गलती ना दोनों तरफ से होती है और तुमने भी उसको कुछ बुरा भला कहा होगा। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। अरे छोड़ो ना उस देहाती की बातों को, ऐसी बातों को दिल पर नहीं लेते हैं और तुम्हारा उससे पंगा लेना ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, मुझे अपने बॉस से मिलाओ, उनसे मिलकर ही इसे सबक सिखाना पड़ेगा। देखो बॉस से तो मैं तुम्हें आज ही मिला दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जाकर देखता हूँ कि वो ऑफिस आए हैं या नहीं। अरे विकास, आज ऑफिस सर नहीं आए क्या? नहीं वो आज नहीं आएंगे, आप कॉल करके मालूम कर लो। कोई बात नहीं सालू, मैं तुम्हें कल बॉस से मिलवा दूंगा। अरे यार ये कंपनी तो बहुत बड़ी है, इसमें तो करोड़ों रुपए लगे होंगे और इसका जो मालिक होगा वो भी बहुत अमीर होगा। ऐसी दो कंपनी और है हमारे बॉस की, लेकिन हमारे बॉस में ना बिल्कुल भी घमंड नहीं है। वैसे तुम्हारे बॉस का घर कौन से सिटी में है? एक काम करते हैं ना, उनके घर चलकर उनसे मिल लेते हैं। अरे यार हमारे बॉस ना शहर में नहीं गाँव में रहना पसंद करते हैं और उन्हें गाँव की लाइफ ही अच्छी लगती है। क्या गाँव में? इतने बड़े आदमियों के वो गाँव में रहना पसंद करते हैं? हमारे बॉस की ना गांव में बहुत जमीन है और वो गांव में रहकर ही ना खेती करते हैं। वीर तुम्हारे बॉस के पास इतना पैसा है तो जल्दी मिलवाओ ना मुझे उनसे। मैं तो आज तुम्हें मिलवा ही देता, लेकिन शायद आज तो तुम्हारी किस्मत ही खराब निकली। यार मेरी किस्मत खराब नहीं है, ये सब उस गवार की वजह से हो रहा है, मनोज कहीं का। अबे यार ये तो मैं गाँव के रास्ते पे आ गई। अरे मैडम इस बार बाइक नहीं ट्रैक्टर है, अगर भिड़ गई ना तो तुम्हारी गाड़ी का ढांचा बिगड़ जाएगा, इसलिए देख कर बैक करो। ओ गवार तू फिर से आ गया मेरे रास्ते में। अरे मैम साहब ये सीधा रास्ता ना मेरे गांव की तरफ के लिए जाता है और मुझे लगता है कि आप ना गलत रास्ते पर आ गई हो। चल ठीक है अपना ट्रैक्टर पीछे कर, मुझे अपनी गाड़ी बैक करनी है। देखिए मैडम मेरे ट्रैक्टर का ना बैक गियर खराब हो गया है, इसलिए पीछे नहीं हट सकता। आप एक काम कीजिए, अपनी गाड़ी को आगे ले जाइए और आगे से बैक करके ले आइए। तू अकेली लड़की को देख कर उसकी शराफत का नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहा है? देखो मैडम अगर आपको जाना है ना तो मेरे गाँव में होकर निकल जाओ, आप मुझसे ज्यादा बहस करने की ना जरूरत नहीं है। देख मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं जो मैं तेरे गांव से होकर निकलूंगी। अब तू चुपचाप अपने ट्रैक्टर को हटाता है या मैं अपनी गाड़ी तेरे ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ा दूं। क्या कहा मैडम आपने, आप मेरे ट्रैक्टर के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाओगी? चढ़ा दो मैडम चढ़ा दो, और हाँ याद रखना मेरे ट्रैक्टर का ना कुछ भी नहीं बिगड़ेगा,
लेकिन अगर मैंने अपना ट्रैक्टर ना तुम्हारी गाड़ी में चढ़ा दिया तो जमीन के अंदर धस जाएगी ये। तेरे जैसे गवार से ना बहस करना ही बेकार है, तू ऐसे नहीं मानने वाला। रुक मैं पुलिस को बुलाती हूँ। हेलो सर, एक गवार है ना मुझे बहुत परेशान कर रहा है और अपना ट्रैक्टर पीछे नहीं कर रहा। मैं आपको लोकेशन सेंड कर रही हूँ, आप आ जाइए। ठीक है, अब देखती हूँ कैसे नहीं हटाता तू अपना ट्रैक्टर यहाँ से, क्योंकि तुम जैसे गांव वाले लोगों को ना सराफत की भाषा तो समझ नहीं आती, पुलिस वालों से ही मानते हो तुम। बताइए मैडम, क्या बात है? सर, ये गांव का गवार ना मुझे डेली किसी न किसी बहाने से परेशान करता रहता है और आज अपना ट्रैक्टर भी पीछे नहीं हटा रहा। क्यों भाई, क्यों परेशान कर रहा है मैडम को, और ये अपना ट्रैक्टर पीछे क्यों नहीं हटा रहा? देखिए सर, इसमें ना मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे ट्रैक्टर का बैक गियर खराब हो गया है और मैडम तो मुझसे बिना बात के बहस किए जा रही है। मुझे लगता है तेरे ऊपर ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। अगर मैं तुझे थाने ले गया तो ट्रैक्टर के साथ साथ तेरा भी बैक गियर ठीक कर दूंगा। माफी चाहता हूँ साहब, लेकिन गलती ना मैडम की ही है, फिर भी आप मुझे बिना बात के सुनाए जा रहे हैं। नहीं सर, झूठ बोल रहा है। आप एक काम करिए, इसे लॉकअप में ले जाकर डाल दीजिए, इसकी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। बहुत बोल लिया तू, अब चुपचाप मेरे साथ थाने चल। लेकिन साहब मेरी बात तो सुनिए। लेकिन वेगन कुछ नहीं। अरे ये पुलिस वाले तो इसे लेकर चले गए। हाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। एक काम करती हूँ, वीर को कॉल करती हूँ। तो वीर का भी फोन बन जा रहा है, अब मैं क्या करूँ? अरे दरोगा साहब, आपके थाने का एक कांस्टेबल हमको आपके थाने में लेकर आ रहा है पकड़कर। हाँ हम आ रहे हैं आपके थाने में। अच्छा बात करनी है आपको। कॉन्स्टेबल साहब गाड़ी रोक लीजिए, एक बार आप बात कर लीजिए। हेलो सर, क्या सर? साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अमीर आदमी हो। और सर दरोगा साहब से मेरी शिकायत मत करिए, वरना वो मुझे आज ही सस्पेंड कर देंगे। और चलिए सर, मैं उस लड़की को अभी पकड़ कर लाता हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ना ध्यान रखना, उस लड़की को मैं देख लूँगा। तुम जाओ यहाँ से। यार वीर का भी कॉल नहीं लग रहा। अरे क्या हुआ मैडम, अभी तक तुम यहीं पर फंसी हुई हो? जब तुम्हारा एक खचाड़ा हटेगा यहाँ से तभी तो मैं जाऊँगी। मैडम ये तो हटेगा नहीं, आप एक काम कीजिए, गांव के रास्ते से ही निकल जाइए। वैसे तुझे तो पुलिस लेकर गई थी, फिर तू इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? मैडम पुलिस मुझे लेकर जरूर गई थी, लेकिन उन्होंने ना बड़ी इज्जत के साथ मुझे छोड़ भी दिया है। बकवास कर रहा है तू, जरूर तू रिश्वत देकर छूटा होगा, और इस बार तेरे ऊपर ऐसा केस लगवाऊंगी कि तेरा बाप भी तुझे नहीं छुटा पाएगा। देखो मैडम, अब तुमने ना बहुत बकवास कर ली है, अगर तुमको अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी है तो बढ़ा लो, वरना मैं ट्रैक्टर को ना इसके ऊपर चढ़ा दूंगा। अब क्या हुआ, इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूँ कि अपनी गाड़ी को हटा लो, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम ठहरे गांव के गवार, तुम्हारे तो समझ में आने वाला नहीं है, मैं ही अपनी गाड़ी लेकर जाती हूँ। ऐसी घमंडी लड़कियों को ना ऐसे ही सबक सिखाया जाता है, प्यार की भाषा इनको समझ नहीं आती है बिल्कुल भी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो वीर कैसे आना हुआ? सर आप कुछ परेशान से हैं, कोई बात है क्या? हाँ यार, वो एक लड़की से पंगा हो गया था रास्ते में, और उसने मुझको पुलिस से भी पकड़वा दिया था, इसी वजह से थोड़ा सा अपसेट हूँ।
सर कौन थी वो पागल लड़की जिसने पुलिस को बुला लिया? शायद वो आपके बारे में जानती नहीं होगी। वीर वो तो मैं भी नहीं जानता कि वो लड़की कौन थी, लेकिन शायद वो किसी अमीर बाप की ना बिगड़ी हुई औलाद थी। सर वो मेरे साथ ना मेरी दोस्त आई है और वो आपसे मिलना चाह रही है। ठीक है वीर तुम उन्हें अंदर भेज दो, मैं अभी मिल लेता हूँ। जी सर। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते भी हो ये शहर की सबसे बड़ी कंपनी है और यहाँ गांव के लोगों का ना कोई काम नहीं है। चल अब निकल यहाँ से। सुनो मैडम, मुझे कुछ नहीं सुनना। और मुझे पता है तुम यहाँ चपरासी की नौकरी के लिए आए होंगे, पर गांव के लोगों को ना चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। सालू ये क्या बोले जा रही हो तुम जानती भी हो ये कौन है? ये मेरे बॉस हैं और बड़े से बड़ा अधिकारी भी इस लैंग्वेज में इनसे बात नहीं कर सकता। क्या ये तुम्हारे बॉस हैं? बहरी हो क्या? एक बार में समझ नहीं आता है तुम्हें? सर मुझे माफ कर देना, आप मुझसे दो बार मिले पर आपके कपड़ों को देखकर मुझे नहीं लगा कि आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होंगे और आज भी आप ऐसे कपड़ों में हैं। तो मैडम मुझे लगता है कि आप किसी की हैसियत का पता उनके कपड़ों को देखकर लगाती हो। आई एम सॉरी सर। तुम्हें पता है दुनिया में ना सबसे मुश्किल काम होता है पैसा कमाना, और पैसे के लिए हर आदमी परेशान रहता है। कुछ किस्मत वाले लोग ही होते हैं जिनके पास बेशुमार संपत्ति होती है। जी सर। नई नई गाड़ियों में घूमें और गरीब लोगों की बेइज्जती करें, इससे हमारी अमीरी का प्रदर्शन नहीं बल्कि गरीब लोगों का मजाक बनता है। अगर आज हमारे पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसे का दिखावा करें, नई नई गाड़ियों में घूमें। सॉरी सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी सारी बातें समझ गई हूँ। और मैडम मैं गाँव में इसीलिए रहता हूँ क्योंकि मेरा जन्म ना गाँव में ही हुआ है। सर मैं आपकी कंपनी में जॉब के लिए आई थी। देखिए मैडम आप ना किसी बड़े लेवल की कंपनी में ट्राई करिए, क्योंकि मैं तो गाँव का देसी आदमी हूँ, मैं आपको क्या नौकरी दे सकता हूँ। सो यू कैन डू।